focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. सर आज नोएडा का 43वां स्थापना दिवस है और बात की जाए प्राधिकरण की, प्राधिकरण ने पूरे साल में काफ़ी बार मीटिंग करी है और पूरा साल उन्होंने मीटिंग के जरिए निकाल दिया मगर कोई भी समस्या का हल निकाल नहीं पाई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सर प्रथम तो मैं नोएडा शहर के निवासियों को नोएडा की 43rd स्थापना दिवस के लिए बधाई देना चाहूँगा कि वो ऐसे शहर में रह रहे हैं जिसकी उम्र केवल 43 ईयर्स है, वरना तो क्योंकि 100 साल पुराने शहर हैं। इस नए शहर के अंदर भी नागरिक काफ़ी सुविधाओं से वंचित है। ये इसका एक ही कारण है कि प्राधिकरण के जो अब से पूर्व अधिकारी रहे या प्राधिकरण के जो स्टाफ के अधिकारी हैं उनकी गलत नीतियाँ। आज तक भी प्राधिकरण ने योजना के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल का कोई योजना नहीं बनाई, जो आज एक गंभीर और विकराल रूप ले चुकी है, जिसका समस्या का समाधान करने के लिए हमारे लोकप्रिय माननीय मंत्री भाई शर्मा जी को भी इंटरवेन करना पड़ा। उसके बावजूद जनता में संतोष नहीं है, जनता में विश्वास नहीं है कि प्राधिकरण इस समस्या का कोई सही ढंग से समाधान कर रहा है। यह सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरा इंक्रोचमेंट, नोएडा के जो स्टाफ या अन्य विभागों के स्टाफ की मिली भगत से नोएडा को पूरे को अतिक्रमण कर लिया गया है। एक चंडीगढ़, एक पंचकुला भी शहर है, नोएडा भी उसी तर्क में बसाया गया था, लेकिन वहाँ इंक्रोचमेंट नहीं है क्योंकि वहाँ के अधिकारियों ने इच्छा शक्ति के साथ काम किया कि हमें इंक्रोचमेंट नहीं होने देना है। यहाँ के अधिकारी के इस तरफ तो जरा सी भी तवज्जो ही नहीं है, अपितु इंक्रोचमेंट कराने में इंटरेस्ट है, भगवान जाने क्यों। इसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो नोएडा की एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या है इंक्रोचमेंट। तीसरी समस्या है पार्किंग। अब कुछ समाधान की बात चल रही है, नए सीओ साहब आलोक टंडन जी के आने के बाद कुछ योजनाएं बनी है, लेकिन अधिकारियों ने इसको भी खूब घुमाया है, इस योजना को भी, और अभी भी सही ढंग से पार्किंग का व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अगर 18 सेक्टर में कुछ व्यवस्था की है तो उसके रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि वहाँ के जो व्यापारी हैं वो त्रस्त है कि वहाँ कस्टमर नहीं आता, और दूसरी जगह भी जो योजनाएँ हैं वो सही ढंग से नहीं है। मैं जानता हूँ कि हमारे नज़दीक में गाज़ियाबाद भी है और हमारे नज़दीक में दिल्ली भी है, हमें सब जगह से सीख लेके, कम से कम खुद नहीं कर सकते तो सीख लेके निर्णय लेना चाहिए। ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए, तुगलकी निर्णय नहीं लेने चाहिए कि जिससे जनता को परेशानी हो। चौथी सबसे बड़ी समस्या जो हमारे यहाँ है पेयजल की है। आज तक भी गंगा वाटर आने के बाद शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार 85% गंगा जल आता है जिसमें मात्र 10 करोड़ रुपए इनको जल निगम को देने होते हैं, 15% नलकूपों से आता है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर नोएडा अथॉरिटी दिखाती है कि 138 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। समझ में नहीं आता कि कैसे खर्च होते हैं। नज़दीक में गाज़ियाबाद है, वहाँ तो इससे चौथाई खर्चा भी नहीं होता, तो ये खर्चा किस बात का है? इसकी क्यों नहीं सीएजी से जांच कराई जाती कि इसमें कौन कौन सा खर्चे डाले जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरी पर या दिखा रखे हैं अंदर वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं, उनको सबको हटाया जाए, बिजली के बिलों को कंट्रोल किया जाए। मेरा कहना है कि सारे मदों को अलग अलग क्लासीफाई कर लें, इसकी सही तरीके से जाँच प्राधिकरण को पहला करनी चाहिए, अगर इनके बस की नहीं है तो सीएजी से जाँच करानी चाहिए। इसका ज़बरदस्ती जनता पर भार पड़ रहा है और 25% रेट बढ़ा दिए, जबकि पेयजल की सप्लाई इतनी गंदी है कि कभी कभी तो उसमें कपड़े भी नहीं धुलते, कपड़े भी पीले हो जाते हैं। पीना तो बहुत दूर की बात है, हमें 100% पानी खरीद के पीना पड़ता है, आरओ का पीना पड़ता है, जबकि 85% गंगा वाटर आता है। तो ऐसी कुछ विकट समस्याएँ हैं जो योजनाओं की ही कमी है। और कभी जब मैं फेडरेशन में सेक्रेटरी जनरल था उस समय 2021 तक की योजना बना के इनको बिजली की, एलिवेटेड रोडों की,
पानी की सब चीज़ों की दी गई थी अभी तक लागू ही नहीं हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ट्रीटेड वाटर दो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अभी कोई परवाह नहीं है कि जो पीने का पोर्टेबल वाटर हो। आज तुम सीओ साहब के घर का ही टेप का पानी ले लो, अगर वो भी पीने लायक हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो भी पीने लायक नहीं मिलेगा। तो आम गरीब जनता कहाँ से खरीद के पानी पिएगी, आम नागरिक कहाँ से खरीद के पानी पिएगा? तो ये कुछ मूलभूत, और जहाँ तक ग्रीनरी की बात है, ग्रीनरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रीनरी नहीं है, लेकिन जितने पेड़ लगाए जाते हैं, और मैं तो कहता हूँ 10 साल में जितने पेड़ लगाए गए 40 साल में भूल जाओ, उतने पेड़ भी नहीं है। गिन तो लोग सब कागजों में लग कर ख़त्म हो गए या उमर गए। अगर लगाए गए तो उनका रख रखाव क्यों नहीं होगा? अगर रख रखाव में मानते हैं कि 100% सर्वाइव नहीं करते, तो कितने परसेंट सर्वाइव करते हैं? 15 साल के जोड़ के गिरवा दो अगर नोएडा में इतने हो। मैं तो कहता हूँ कि इन पेड़ों की नंबरिंग होनी चाहिए, कितने पेड़ हैं, कितने लग रहे हैं। पार्कों की हालत ख़राब है, पार्कों में कोई ढंग से ग्रीनरी नहीं है। कोई आदमी की पहले एक चीज़ होती थी कि मेरा शहर, मुझे इसका विकास करना है। मन की इच्छा जब तक अधिकारियों की नहीं होगी, जब तक वो सुधार नहीं हो सकता। ये कहना है कि जी मैं तो नौकरी कर रहा हूँ और शहर तो जनता का है, तो जब तक वो भावना रहेगी कि मुझे अपना नौकरी के टाइम पूरा करना है, तो शहर में सुधार नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से ग्रीनरी में भी उतना सुधार नहीं है जितना होना चाहिए।